ओम सई राम, बाबा को शाश्वत प्रणाम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। बाबा हमारे सबकी मदद करते हैं। जो भी बाबा की शरण में जाते हैं, बाबा उसको कभी खाली नहीं भेजते। अगर हमारे पर कोई दुख भी आता है, अगर हम बाबा की शरण में जाते हैं तो बाबा हमें उस दुख से निकाल देते हैं। सच में बाबा हमारी साईं में माँ हैं। मैं आज आपको बताती हूँ कि बाबा ने एक अपने भक्त की कैसे मदद की, जबकि वो बाबा का भक्त भी नहीं था, वो बाबा के बारे में जानता भी नहीं था, फिर भी बाबा ने उसकी उंगली पकड़ी। मेरे पास बाबा का न्यूज़पेपर साईं सुमरन आता था, तो मैंने उसमें एक बुक के बारे में पढ़ा कि जेल में साईं साक्षात्कार। तो उस बुक का जो हेडिंग था उसको पढ़ के मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जेल में साईं, इस बुक को पढ़ना चाहिए कि बाबा जेल में कैसे। तो उस बुक के नीचे लिखा था कि अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप राइटर से ये बुक मंगवा सकते हो। तो मैंने फ़ोन नंबर था, मैंने फ़ोन करके बुक मंगवाई, तो मेरे पास 2 दिन में ही बुक आ गई। जब मैं उसको पढ़ने बैठी तो मेरा उसको छोड़ने का दिल ही नहीं किया, मैंने उसको 2 घंटे में ही पढ़ डाला। पढ़ के जो राइटर थे उनसे बहुत सहानुभूति हुई कि उन्होंने कितना दुख उठाया, और बहुत खुशी हुई कि मेरे बाबा ने उनकी मदद की। मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक के कुछ अंश बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं बिजनेसमैन था, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। तभी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आई कि कुछ हत्यारों ने घर में घुसकर मेरी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने बहुत छानबीन की पर हत्यारों का पता नहीं कर पाई। तो पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए जो हत्या का इल्ज़ाम था वो मुझ पर लगा दिया और मुझे अपने पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में डाल दिया। इस घटना ने तो सब कुछ हिला के रख दिया। मेरे ऊपर एक तो पत्नी की हत्या का आरोप, जो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था, और पत्नी को खोने का भी दुख, और जो मेरी सामाजिक बदनामी थी वो, और घर में मेरे 2 जवान बच्चे, बेटा बेटी और मेरे वृद्ध माँ बाप, ऐसा है उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस टाइम मेरा किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैं जेल में घोर निराशा के अंधकार में डूब गया। मुझे कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी मुझे एक बुक मिली, बाबा मे आई आंसर। मैंने इस बुक को पढ़ा, ये साईं बाबा से रिलेटेड थी। मैं बाबा को नहीं जानता था बिल्कुल भी। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे में थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो बाद मेरे में थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी शुरू होगी। मुझे लगा कि अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो बाबा है। तो मैंने बाबा के बारे में और जानने की कोशिश की। मेरे बच्चे मिलने आते, मैंने उनसे बाबा की और बुक्स मंगवाई, मैंने सहचरित्र मंगवाया, वो पढ़ा, मैंने अपने बच्चों को शिरडी भेजा। तो अब मेरी जो जेल में लाइफ थी वो बदल चुकी थी। अब मेरी दिनचर्या में साईं बाबा शामिल हो चुके थे। मैं बाबा का जाप करता, बाबा की बुक्स पढ़ता, बाबा की आरती मैंने शुरू कर दी। जो मेरी घोर निराशा थी उसके बादल छट चुके थे। अब मेरे अंदर आशा की किरण जाग उठी थी। एक बार बाबा ने मुझे सपने में साक्षात दर्शन दिए कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा हूँ तो मुझे साईं बाबा नजर आए, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे। मैंने 13 महीने जेल में काटे। इन 13 महीनों में बाबा ने मुझे बहुत रक्षा, सुरक्षा, बहुत हिम्मत दी। मैं बाबा की दया से 13 महीने बाद जेल से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद मैं अब अध्यात्म की ओर जुड़ चुका था। मैंने बाबा के ऊपर बुक्स लिखी, जेल में साईं साक्षात्कार, साईं गणेश्वरी, साईं ही क्यों, ये उन्होंने जुनेजा जी ने बुक लिखी। मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ, मैं उनसे मिली हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। और अब उनकी जो है फैक्ट्री में 2,000 लेबर को थर्सडे को लंगर करवाया जाता है। अब उनका मकसद समाज सेवा है। बाबा के अलावा उन्हें कोई नज़र नहीं आता। आए क्यों? क्योंकि बाबा ने उनकी मदद की। कहते जो भगवान आपकी मदद करते हैं दुख के टाइम में, तो उसके सिवा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाबा को दे दी है। उन्होंने गणेश्वरी बुक को पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बुक है। इस जो दासुगन ने मराठी में लिखी थी वो उन्होंने हिंदी में लिखी है। उन्होंने शिरडी में कैंसर मंदिर, कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया है।
बहुत दान करते हैं बस बाबा के लिए। अब उनकी जिंदगी बाबा को ही समर्पित है। उन्होंने जेल में भी काफ़ी सत्संग किए। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी कि हमारे जेल में कैसे सत्संग हुए। मैंने भी उनको जेल में सत्संग करवाने में सहयोग किया। बस आज इतना ही। ओम साई राम।